हाय, मेरा नाम है शहनाज। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कामा आयुर्वेदा का बॉडी मॉइस्चराइजर। तो इतना एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर मैंने अभी तक नहीं देखा। शायद मे भी और भी होंगे ब्रांड्स जो इतने एक्सपेंसिव होंगे या इससे भी ज़्यादा रेट में होंगे, लेकिन इतना छोटू सा बॉडी मॉइस्चराइजर, अगर फेस मॉइस्चराइजर होता तो ठीक है, चल जाता, लेकिन ये 15 ml का 145 में मिल रहा है आप लोगों को बॉडी मॉइस्चराइजर। इसे तो सिर्फ आप हैंड में लगा के ही ख़त्म कर दोगे, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव लगा मुझे। इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने चेक किए, मुझे लगा शायद इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होंगे इसलिए इतना ज़्यादा महंगा हो, क्योंकि नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं और सेफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जाहिर सी बात है थोड़े महंगे होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स जब मैंने चेक किए तो इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं किया है। थोड़ा बहुत मेंशन किया है जैसे कि कोकम एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, और इसकी जो खुशबू है जो इसके अंदर प्रेगनेंस है वो स्वीट आमंड ऑयल की है, ऐसा इसमें मेंशन किया है। लेकिन जब हम इसे स्मेल कर रहे तो जैसे मैंने इसे स्मेल किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल प्रेगनेंस है। तो इसके टेक्सचर की बात करूँ तो काफ़ी लिक्विडी सा है, थिक सा नहीं है, लिक्विडी सा है, और मॉइस्चर काफ़ी अच्छे से देता है, हाइड्रेटेड कर देता है स्किन को। फेस पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुझे तो ये कंफर्टेबल नहीं लगा स्मेल की वजह से। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर आर्टिफिशियल प्रेगनेंस है, और प्रेगनेंस वाली चीज़ें मैं अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैंने कामा आयुर्वेदा का देखा, चेक किया तो ऑयल भी है, मॉइस्चराइजर भी है, फेस क्रीम्स भी है, तो काफ़ी सारे हैं वो बड़े बड़े पैक, उसके ऊपर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं, और कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी हैं उसके अंदर, कुछ हाँ लेकिन हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी उसमें ऐड किए गए हैं। इसके अंदर कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, वरना मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देती। सजेशन करूँ या नहीं करूँ इस बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव भी लगता है, एंड प्लस इसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैं आप लोगों को इसे सजेस्ट तो नहीं कर सकती हूँ। हाँ, टेक्सचर काफ़ी ठीक ठाक है, बॉडी लोशन की तरह ही है, लिक्विडी सा है, हाइड्रेट कर देता है स्किन को, मॉइस्चर काफ़ी अच्छे से देता है, चिपचिपा सा नहीं लगता है। प्रेगनेंस थोड़ी आर्टिफिशियल मुझे लगी और थोड़ा ज़्यादा महंगा लगा मुझे। अदरवाइज 15 ml 145 का बोले तो फिर थोड़ा महंगा ही है, इससे अच्छा तो मैं कोकोनट ऑयल लगा लूँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल अपनी बॉडी पे, मुझे वो ज़्यादा फ़ायदे में लगता है, क्योंकि वो कोई उसमें प्रेगनेंस भी नहीं होती, प्योर भी होता है, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी मुझे लगता नहीं कि होता है। किसी किसी को शायद अगर कोकोनट ऑयल से एलर्जी हो, कोकोनट से एलर्जी हो तो शायद उसको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों को होती हो, शायद कोई रेयर ही हो जिसको कोकोनट से एलर्जी होती हो। वैसे अगर आप इस ब्रांड के किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपको शेयर करने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।